नमस्कार, इंटरटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। धरना प्रदर्शन में विभिन्न संगठनों का समर्थन। बलिया उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्टर कर्मचारी संघ का धरना तीसरे दिन बुधवार को कलेक्ट्रेट में जारी रहा। धरने में जनपद के समस्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपना समर्थन पत्र जिलाधिकारी को प्रेषित किया। वक्ताओं ने कहा कि यदि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और वृहद किया जाएगा, इसको अंतिम दम तक लड़ा जाएगा। अध्यक्ष का अटेंशन बलिया, आज जिलाधिकारी महोदय वार्ता के लिए हम लोग को बुलाए। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पांचों वांछित अभियुक्तों को जो है पुलिस ने कार्रवाई कर दिया है, पांचों जेल चले गए हैं। लेकिन अभी तक पुलिसकर्मी जो वहाँ घटना के समय मौजूद थे, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर उन पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों का आंसर हर कल भी जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन पहले दिन से घटना पर घटना क्या थी, लगातार तीन दिन आपका धरना चला, तीन दिन बाद जिलाधिकारी महोदय आपको आपके लिए बुलाते हैं, तो आखिर इस सबक्रम के बीच जो फिर बताइए शुरू में क्या मामला, किस बात को लेकर धरने बैठते हैं आप, क्या डिसीजन निर्णय लिया जिलाधिकारी? धरना कार्यक्रम हम तो जो मेरे पुत्र के साथ हमारा भी कृत्य किया गया द्वारा जान से हमला किया गया मारने की, उसकी मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज कराने के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया, एडिशनल एसपी को भी अवगत कराया। कोतवाल से हम लोग 200 बार मिले, इसमें टोटल पुलिस विभाग की अक्रम्यता पर लक्षित हो रही है। उसने कोई कार्रवाई नहीं की, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और दूसरों से धमकी भी दिलवा रहे थे। तो फिर हमारे कलेक्ट्रेट संघ के समस्त कर्मचारियों द्वारा हम लोग आम बैठक किए और आम बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जिलाधिकारी महोदय को 5 दिन का समय दिया गया। 6 तारीख को हम लोगों ने बैठक की और 7 अक्टूबर को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया कि अगर 11 तारीख तक की गिरफ्तारी जो हम लोग 4 मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग 12 तारीख से अनशन बैठ जाएंगे धरना पर। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मजबूर हम लोगों ने 12 तारीख से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जगी, दबिश दिया गया, तब जाके ये पांचों अभियुक्त 3 जो है सरेंडर किए और 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप कलेक्टर के कर्मचारी संघ के नेता थे, तब 3 दिन लगे, तो आमजन को तो अगर किसी दुर्घटनाएं घट रही हैं तो बहुत दिक्कत होती होगी। निश्चित रूप से इसमें पुलिस विभाग की घोर लापरवाही कही जाएगी और सबसे बड़ी लापरवाही जो शहर का कोतवाल है, इनकी तो अत्यंत ही घोर लापरवाही है कि जिलाधिकारी महोदय के 3-3 बार टेलीफोन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हमारा प्रतिनिधिमंडल जिसमें हमारे भाई कौशल उपाध्याय जी भी साथ में रहे, पुलिस अधीक्षक से उनको मिला, पुलिस अधीक्षक महोदय ने कोतवाल को टेलीफोन करके कहा तुम तुरंत जो है अगर साले नहीं, ऐसे उन्होंने कहा अगर नहीं मिलते उनके घर वालों को पकड़ के बंद करो। इसके बाद भी इस कोतवाल के ऊपर कान के ऊपर जू नहीं रहेगा। आखिर क्या कारण है कि मतलब डीएम साहब, एसपी साहब, आप लोग घर पे हम लोग कितने मजबूत आदमी है कोतवाल साहब की उनकी, अब इसके बारे में अब हम लोग क्या बता सकते हैं? हो सकता है कि कोतवाल महोदय को आर्थिक लाभ पहुंचा हो, इस वजह में उन सबों का मदद कर रहे हो, या कोई पॉलिटिकल जो कोतवाल महोदय का जो बास है उनके ऊपर ये उड़ रहे हो कि एसपी और डीएम हमारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा बास ऊपर बैठा है। उस बल पर ये उन्होंने 1 महीना लटकाया रहा इस मामले को। जब ये धरना प्रदर्शन हमारे कलेक्ट्रेट के साथियों द्वारा किया गया तो इनके बाद ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, तब जाके ये सब एक्टिव हुए। इसमें कोतवाल की अहम भूमिका रही है, इसको हम लोगों ने घोर प्रार्थना की है और अत्यंत निंदनीय कार्य इन्होंने किया है कि ऐसे प्रकरण को इन्होंने 1 महीना तक लटकाया।
जी अभी जिलाधिकारी से वार्ता के बाद क्या आपका धरना समाप्त हो गया? बिल्कुल धरना कहाँ समाप्त हो गया, अभी तो हमारी तीन मांगे हैं, एक मांग पूरी हो गई तो धरना तो समाप्त नहीं हुआ। कल फिर हम लोग कार्यक्रम है ही, इसमें सिटी आज डीएम साहब ने कहा कि वांछित जो घटना के समय पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, कल कार्रवाई अगर हो जाती है यार तो इसके बारे में हम लोग विचार कर क्या मांगे हैं वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। तो ये हो गया, घटना के समय मौजूद पुलिस कर्मी जो जापनी गंज गए थे चार, उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए, और हम लोग कलेक्ट्रेट की जो समस्याएं थी इसको जिलाधिकारी महोदय ने सर्वे स्वीकार भी कर लिया है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको निस्तारण कर दिया जाए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।